नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 24 और 25 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इन 2 दिनों की ये करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को प्रत्येक साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो देश में प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों को उनके समर्पण को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1959 को 1959 में 21 अक्टूबर को ही 10 बहादुर पुलिस कर्मियों ने हॉट स्प्रिंग लद्दाख में, तो लद्दाख में हॉट स्प्रिंग जगह पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो इसीलिए 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इन पुलिस कर्मियों की याद में वर्ष 2018 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण भी किया गया था। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली में 2018 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है? पंजाब में। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो पंजाब में हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में देश का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है, पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी बॉर्डर, तो अटारी बॉर्डर के पास फहराया गया। जो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसकी ऊंचाई 418 फीट है। 418 फीट इस राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई है। और इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस ध्वज को फहराया है। अब तक की बात करें तो अभी तक कर्नाटक के बेलगावी, तो बेलगावी में स्थित राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा था और इस ध्वज की ऊंचाई 361 फीट थी। और अब ये दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हो गया है, क्योंकि अब पंजाब के अमृतसर जिले में जो अटारी बॉर्डर है इसके पास सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल, जिसका नाम क्या है? इम्फाल। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जो है इम्फाल है, निम्न में किसे प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? भारतीय नौसेना को। तो भारतीय सेना को स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना को स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है इम्फाल, तो इम्फाल प्राप्त हुआ है। जो इम्फाल है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल है, इसका निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट 15B है इसके तहत ये तीसरा निर्मित विध्वंसक है। तो तीसरा डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के तहत जिसका निर्माण किया गया है। जो डिस्ट्रॉयर है, जो विध्वंसक है, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। अभी तक इसके 3 बन चुके हैं और टोटल इसके 4 बनने हैं 15B के तहत। तो जो भारतीय नौसेना है इसको प्राप्त हुई विशाखापत्तनम और मोरमुगाओ, इन दोनों के बाद ये तीसरा स्टील श्रेणी में तीसरा डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट जो 15B है इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के निर्माण का समझौता इस कंपनी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से किया गया है। और 3 बन चुके हैं, तीसरा का नाम क्या था? इम्फाल। इससे पहले विशाखापत्तनम और मोरमुगाओ, इन दोनों का निर्माण हो चुका है। और जो अंतिम जो चौथा होगा उसका नाम होगा सूरत। 4 कौन कौन से बने हैं अभी तक 15B के तहत? विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत। और प्रोजेक्ट 15B का जो पहला जहाज था वो था विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो विस्टाडोम ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है विस्टाडोम ट्रेन सेवा। अक्टूबर 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है। और ये जम्मू कश्मीर की
विस्टाडोम ट्रेन सेवा है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2017 में की गई थी। और विस्टाडोम क्या होता है? तो विस्टाडोम जो ट्रेन होती है, गुंबद आकार की एक ट्रेन होती है। गुंबद, विस्टाडोम का मतलब होता है गुंबद, गुंबद के आकार वाली ये ट्रेन होती है। ये ट्रेन अत्याधुनिक कांच की खिड़कियों और सभी कांच की छत से सुसज्जित है, जो पर्यटकों को खुले आसमान, पहाड़ों, सुरंगों, पुलों, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों का दृश्य निहारने का मौका देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो जो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 हुआ है, महिला एकल खिताब, तो महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हड्डा ने। तो उन्नति हड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सागर से सारांश। सागर से सारांश सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो सागर से सारांश सॉफ्टवेयर है, ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा सागर से सारांश सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो इन्होंने किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहा किया, दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उद्देश्य क्या है इसका? सैन्य को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान देने के साथ ही भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य है, जो कि दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत और मध्य एशियाई जो देश हैं, तो इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कजाकिस्तान में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कजाकिस्तान में जो भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में। तो अक्टूबर 2023 में कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये सम्मेलन जो कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तो अस्ताना में आयोजित किया गया था। जो मध्य एशिया है, इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से है? कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश मध्य एशिया में शामिल है। और भारत और मध्य एशियाई जो देश हैं, इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो दूसरा सम्मेलन था, ये क्या था? दूसरा सम्मेलन। और पहला सम्मेलन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। जो ये सम्मेलन है दूसरा, इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। उद्देश्य क्या था इसका? अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करना और भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना। जो भारत है और भारत और मध्य एशियाई जो देश है, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो पहली बैठक है, ये भारत दिल्ली में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो जो मिशन महिला सारथी है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में महिला सारथी का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रिटेन में आयोजित कैमरियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया था कैमरियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 का। तो ये इसमें जो किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। तो भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय सेना की जो 3/5 गोरखा राइफल्स है, इसने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 का कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे कि मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो भारत की सेना ने ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो जो गगनयान मिशन है, इसका जो पहला उड़ान परीक्षण है, जो टेस्टिंग चल रही है, इस वाहन का नाम क्या है? TVD1। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, TVD1। डिटेल जान लेते हैं। तो जो गगनयान मिशन है, इसके टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट,
TV D1 को लॉन्च किया गया है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से TV D1 को लॉन्च किया गया। जो गगनयान मिशन है ये इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, और जो ये गगनयान मिशन है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो 2025 में लक्ष्य रखा गया है इसको लॉन्च करने का। तो दोस्तों ये हो गए आज की करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।